आज सुशांत की मौत एक साल हो चुके हैं। सुशांत की मौत पर बॉलीवुड बढ़ गया है, महाराष्ट्र बनाम बिहार में राजनीति बढ़ गई है, जांच के नाम पर जांच एजेंसियां बढ़ गई हैं, लेकिन निकला सुई बटे सन्नाटा, यानी कुछ नहीं, सिफर। 14 जून को आज ही के दिन सुशांत सिंह राजपूत की एक साल पहले मौत हुई थी। उनका शव उनके बेडरूम में पंखे से लटका हुआ मिला। सबसे पहले वो खुदकुशी का मामला लगा, लेकिन सुशांत के परिवार वालों ने और फिर बॉलीवुड के एक बहुत बड़े धड़े ने इसको हत्या करार दिया। इसमें सुशांत के परिवार वालों ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया पर धोखा देने का और हत्या का आरोप लगाया। जब जांच शुरू हुई तो सीबीआई से लेकर ईडी तक बात पहुंची तो ड्रग्स पर नए नए खुलासे होने लगे, लेकिन निकला कुछ भी नहीं। आज सुशांत को उनकी पहली बरसी पर उनकी दो खास दोस्तों ने बड़ी शिद्दत के साथ याद किया है। जहां अंकिता लोखंडे ने उनके वीडियो साझा किए हैं, वहीं सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने, जो कि जेल तक गई, एक बेहद इमोशनल पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। आपको ये दोनों चीजें जरूर देखनी चाहिए। सुशांत तो नहीं है, लेकिन ये अफसाने रह गए, वो यादें रह गई हैं जिनमें प्यार था, मिठास थी, कुछ पाने की तड़प थी, कुछ खोने की कशिश। आज सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया ने अपने प्यार को बड़े प्यार से याद किया। भले ही इस एक साल में रिया चक्रवर्ती पर हत्या से लेकर दूसरे संगीन आरोप लगे, लेकिन आज इंस्टाग्राम पर उसने एक तस्वीर डाली जिसमें वो कैमरे की तरफ देख रही है और सुशांत रिया को बड़े प्यार से देख रहे हैं। उस पर रिया ने लिखा है, एक भी पल अब तक ऐसा नहीं बीता है जब मुझे लगा हो कि तुम यहाँ नहीं हो। वे कहते हैं कि वक्त सब कुछ ठीक कर देता है, लेकिन तुम ही तो मेरे वक्त और सब कुछ थे। मैं जानती हूँ कि अब तुम मेरे गार्जियन एंजल हो और मुझे चांद से अपने टेलीस्कोप से देख रहे हो और प्रोटेक्ट कर रहे हो। मैं हर दिन तुम्हारा इंतजार करती हूँ कि तुम आओ और मुझे ले जाओ। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे पास हो। रिया चक्रवर्ती से सुशांत का मोहब्बत भरा अफसाना न जाने कैसे शुरू हुआ, जो अचानक एक दिन दोनों साथ साथ रहने लगे। उन दिनों की यादें आज शब्दों में उतर आई। तुम्हारा ना होना मुझे हर दिन तोड़ता है। भावनाओं का बांध हर रोज मेरे अंदर उमड़ता है। जब मैं सोचती हूँ कि तुम मेरे पास नहीं हो, ये लिखते हुए मेरे दिल में कसक उठती है। रिया चक्रवर्ती सुशांत की आखिरी गर्लफ्रेंड थी, जबकि उनकी मोहब्बत की शुरुआत अंकिता लोखंडे के साथ हुई थी। आज अंकिता ने भी सुशांत को बड़ी शिद्दत से याद किया। कुछ ऐसी तस्वीरें जो जिंदगी को कभी मरने नहीं देती। वीडियो शेयर करते हुए अंकिता ने लिखा, ये हमारी जर्नी थी, फिर मिलेंगे चलते चलते। इस टेक्स्ट के साथ ही अंकिता ने एक इमोजी भी शेयर किया, साथ ही 10 साल पहले की दिवाली के समय का एक वीडियो भी डाला जिसमें अंकिता और सुशांत दोनों डांस कर रहे हैं। उस पर वो लिखती है, बस इन्हीं यादों के साथ छोड़ गए, आपको हमेशा प्यार और याद किया जाएगा। दिवाली 2011। जिंदगी के रोमांस को मौत के मुकाम तक पहुंचना तो होता है, लेकिन जिस तरह सुशांत गए, वो जाना कोई जाना नहीं होता। इसीलिए उनकी यादें उनके दोस्तों के दिल में एक टीस जगा रही है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।